अभी रिसेंटली राजस्थान से हमारे पास एक एलिवेशन डिजाइनर निकला था, तो वो पूरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो एलिवेशन है वो बना रखा था लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इसका लेआउट को हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है इनका था ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से ये गेट जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 फीट जो है इसकी विड्थ है ये। और फिर इसके बाद ये पूरी कंप्लीट यहाँ पे ओपन आपकी वॉल आ गई, आपकी एक्सपोज्ड वॉल आ गई। एंड इसके जस्ट आगे की साइड में एक्सटीरियर वाटर टैंक आ गया। अभी जब स्टेयर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर वॉल आ रखी है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप वॉल दे देंगे ना तो आपका जो नेचुरल लाइट आ सकती है स्टेयर्स पे तो वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पूरी 7 फीट की यहाँ पे बेल्कनी आ गई यहाँ पर। एंड ये आपका स्टेयर केस यहाँ पर अगेन आ गया, स्टेयर केस को थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने ओवर हैंग करके बाहर निकाल रखा है। अभी जो पहले जो देख रहे हैं डिजाइन, तो ये डिजाइन जो है इन्होंने ऑलरेडी बनवा रखा था और डेफिनेटली इस डिजाइन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार डिजाइन है, डिजाइन अच्छा है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट को वो मीट नहीं कर पा रहा था। तो ये पहला डिजाइन था, फिर उसमें कुछ चेंज करके जो है वो आप देख सकते हैं, तो कुछ कलर्स और थोड़ा बहुत चेंज करके सेकंड डिजाइन आ गया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रस्टिक टाइप का कलर कुछ कर दिया। फिर थर्ड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके 3 डिजाइन जो है मतलब इनको क्रिएट करके दे रखा है, 3 ऑप्शन। अब एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग ना इसको ऑप्शन समझ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देना किसी भी डिजाइनर के लिए इतना आसान नहीं रहता क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसको डिजाइन करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मिसगाइड करते हैं कि हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, अब उसमें क्या है कि वो थोड़े बहुत कलर चेंज कर देंगे, थोड़ी बहुत एलिमेंट्स आगे पीछे कर देंगे, तो वो ऑप्शंस में काउंट नहीं होगा, वो एक तरीके से आप चेंज में ही लेकर के चलिए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आपका जो क्लाइंट है ना उनके साथ आप डिस्कस करिए उनको कौन कौन से एलिमेंट पसंद आ रहे हैं, कौन कौन से डिजाइन पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर 2 या 3 तरीके के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिजाइन करेंगे तो उसमें आपके एफर्ट्स और एनर्जी जो काफी ज्यादा जाता है जो कि डिजाइनर्स के लिए इतना आसान भी नहीं रहता। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आपने लाइक बहुत सारे डिजाइन उनको शेयर कर दिया, फिर उनसे आप जो फीडबैक लीजिए, मतलब बैठ के अच्छे से आप काउंसलिंग करिए। उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन क्या है कि उसमें आपके भी एफर्ट बच जाएंगे और जो डिजाइनर है उसके भी एफर्ट बच जाएंगे। तो हमने क्लियरली उनसे पूछा था कि आप खुद अपने आप बताइए कि आपको क्या क्या एलिमेंट जो है वो पसंद है और किस टाइप का आपको जो है वो डिजाइन चाहिए। तो उन्होंने क्या डेटा हमारे साथ शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब इसी के पहले फोटो देख रहे हैं, तो एक्चुअल में उन्होंने रेड कलर से मार्क करा हुआ है कि इनको इस तरीके का जो पोर्शन जो है वो स्टेयर के आसपास या फिर एलिमेंट कहीं पे प्लेस हो जाए। तो फिर सेकंड इन्होंने बैल्कनी के लिए रेड कलर से मार्क करके भेजा कि इस तरीके की बैल्कनी चाहिए। फिर देन एक पर्टिकुलर इनको एक डिजाइन पसंद आ रहा था किसी का घर बना, तो इन्होंने यहाँ पे भी रेड कलर से जो है वो मार्किंग यहाँ पर कर रखी है। फिर नेक्स्ट फोटो में देखेंगे तो इस तरीके का जो है वो जाली वाला पैटर्न या फिर कुछ कटिंग टाइप से इनको पसंद थी, तो ये कुछ एलिमेंट जो इनको पसंद थे इन्होंने हमारे साथ शेयर करे थे। फिर इसके बाद एक और इन्होंने रेड कलर से मार्क करा हुआ कि ये एलिमेंट भी इनको पसंद आ रहा था। फिर ये वाला टॉप पे जो एलिमेंट देख रहे हैं ये भी इनको पसंद था। फिर इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ना ये इनको काफी पसंद था कि इस तरीके से मल्टी लेयर्स में आपका आई सेक्शन आ जाएगा और वहां पर आपका HPL और प्रोफाइल का यूज कर दिया यहाँ पे सीलिंग में टॉप पे। फिर नेक्स्ट इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं आपका ग्राउंड फ्लोर पे अगर देखेंगे तो ये कुछ इनको पसंद था चीज। अच्छा, फिर जितना फीडबैक इनकी तरफ से मिला था ना, तो हमने जब मॉडलिंग करी तो 2 तरीके की मॉडलिंग करी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहला मॉडल जो हमने क्रिएट करा जो कि इनका टेस्ट था कुछ इस तरीके से, देखिए पहला इस तरीके से मॉडल और सेकंड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जाली वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे स्टेयर्स पे जाली दे दी, 1 साइडेड यहाँ पे जाली दे दी और आपका टेराकोटा जाली आ गया। और इसके अपोजिट देखेंगे तो स्टेयर केस पे जो है वो यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन आ गया, यहाँ पे आपका वही सेम रहा। फिर ओवरऑल जो इनका डिजाइन जो फाइनल हुआ, तो ये फाइनल डिजाइन था जो कि हमने इनके लिए डिजाइन करके दिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज भी इनके रेफरेंस में थी और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना ये पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है देखेंगे तो थोड़ा सा वुडन है, तो इनको वुडन यहाँ पर नहीं चाहिए था। पीछे यहाँ पे स्टोन की क्लैडिंग आ गई, ये आपका टॉप पे आपका ACP या फिर HPL आप यूज कर सकते हैं ना। फिर ये आप जो देख रहे हैं बैक साइड में ये आपका ACP हो गया। ये जो पैटर्न देख रहे हैं ये आपका MS का पैटर्न में बना हुआ है, मतलब आपका आयरन में बना हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो है हमने यहाँ पर यूज कर रखे थे। और फ्रंट एलिवेशन के मटेरियल्स को और इन डेप्थ डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लगभग 15+ मटेरियल्स के बारे में इन डेप्थ डिटेल में हमने चीजों को कवर कर रखा है, जिसको जाकर के वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का जो मार्क है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ और बताया था कि इनका कुछ और डिफरेंट टेस्ट था, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप जो फोटो देख रहे हैं ना, तो इसमें आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जो डिजाइन क्रिएट हो रहा था, तो इनको स्टेयर्स के साथ में जो है इस तरीके का डिजाइन चाहिए था। तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं फाइनल डिजाइन जो है वो निकल के आया। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट्स का यहाँ पर प्रोविजन दे दिया, यहाँ पे वही सेम आपकी जाली आ गई यहाँ पर नीचे तक, एंड टॉप पे वही आपका ACP। अभी जैसे यहाँ पे आपकी जो लाइट यूज हो रखी है, यहाँ पे हमने नॉर्मल पैनल लाइट यूज करेगी, यहाँ पे आप चाहोगे तो सरफेस COBs का भी यूज कर सकते हैं, आपकी स्टोन क्लैडिंग की टाइल आ गई। फिर जैसे कि बताया था कि यहाँ पर वुडन नीचे था, तो यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये आपका क्रीमिश टाइप का कलर आ गया। फिर नीचे आप जो देख रहे हैं ये आपकी टाइल में भी सेम बन जाएगा और सेम जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसको आप जो है जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में भी ग्रूविंग की कटिंग करके इसके ऊपर आप जो है टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर इनकी विंडो थी, यहाँ पे विंडो और सेम पैटर्न जो कि इनका रेफरेंस में था वो आ गया। आपका
आयरन का गेट आ गया, टॉप पे इस तरीके से क्राउन यहाँ पर दे दिया है, फ्रंट पे आपका जो मटेरियल है ये मटेरियल सेम है आपका एसीपी शीट का, एंड ये मटेरियल और जो यहाँ पर जो आपका स्टोन का जो मटेरियल है ये भी आपका सेम आ गया। ये आपका नॉर्मल पेंट हो रखा है। यहाँ पे आपका ब्रिक पैटर्न में आपकी टाइल्स आ गई जिसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांटर्स का यूज करा हुआ है। जैसे इनके रेफरेंस में था तो उसी से इंस्पायर्ड होकर के हमने आपका जो छत की जो बाउंड्री वाला वो क्रिएट कर रखी है। एंड छत पे भी अगर आप देखेंगे तो आपका आई सेक्शन आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल और ये सीओबीज यहाँ पर यूज कर दी गई है, और सेंटर में आप देखेंगे तो ये आपका टेराकोटा जाली यहाँ पर आ गई है। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसमें दो पैटर्न आपको दिख रहे होंगे टेराकोटा जाली के, तो ये बीच वाला पैटर्न और ये जो ये दो पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो जो ऊपर वाला जो पैटर्न है, अब ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये टाइल तो एक ही है, इस वाले पोर्शन को नीचे कर दिया, फिर इसको साइड में कर दिया, फिर से साइड में कर दिया इसको नीचे कर दिया, तो इस तरीके से आपको रैंडम जो है वो प्लेस करना पड़ता है इसको। तो ओवरऑल सारे मटेरियल्स और एलिवेशन डिजाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पहुंचाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।